दोस्तों कैसा होगा मैं आपसे कहूं कि आने वाले टाइम में हम अपने दिमाग का सारा डेटा डाउनलोड कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे या फिर अपने दोस्त के दिमाग में ट्रांसफर नहीं ये गड़बड़ हो गया, इसमें फंस जाएंगे। बेसिकली स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनी वाले एलोन चाचा की एक और कंपनी है न्यूरालिंक, जो इसी तरीके कुछ काम कर रही है और आने वाले टाइम में हमको एक चिप दिमाग में इम्प्लांट कर देगी। अगर उन्हीं की लैंग्वेज में बोलूं तो एक फिटबिट जैसी डिवाइस हमारे दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाएगी, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पाएंगे सिर्फ अपने दिमाग को यूज करके। और ये इस प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा लेवल पे आगे ले जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनका अल्टीमेट गोल ये है कि ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा कमर्शियल हो जाए कि आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी ये प्रोसीजर अवेलेबल हो जाए, जो कि सर्जरी से जो हमारा फिटबिट है वो हमारे दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जैसे हमको सुपरविजन मिल सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किसी को पैरालिसिस है वो भी सॉल्व हो सकता है, काफी सारी चीजें इस डायरेक्शन में ये कंपनी काम कर रही है। अब ये जो सर्जरी है ये बेसिकली इतनी फास्ट बताई जा रही है कि नेटफ्लिक्स से किसी सीरीज का एक एपिसोड भी आप खत्म नहीं कर पाओगे, उतने में आपका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और काफी ज्यादा पेनलेस है। मतलब एक घंटे के अंदर ये सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी और पार्शियल एनेस्थीसिया दे करके ये सर्जरी हो जाती है। बेसिकली कॉइन साइज की 8 मिलीमीटर की डायमीटर की एक चिप है जो कि इन्होंने डिजाइन की है। पहले कुछ अलग सा डिजाइन था, कान के पीछे एक मशीन टाइप की इम्प्लांट लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है डिजाइन अपग्रेड कर दिया गया है, कॉइन साइज का चिप निकाली है और ये बेसिकली इम्प्लांट की जाएगी हमारे स्कल के अंदर। अब यहाँ पे जो एलोन चाचा है उन्होंने काफी बार जिक्र किया है कि एआई से उनको बहुत डर लगता है कि आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन रेस को पीछे कर देगी और काफी डर है ह्यूमन रेस को उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो उस डायरेक्शन में ये कंपनी काम कर रही है न्यूरालिंक और बेसिकली ह्यूमंस को ऐसी कैपेसिटी दे रही है, कैपेबिलिटी दे रही है कि हम अपने दिमाग से ही मशीन से कम्युनिकेट कर पाए और कोई अपना काम है तो वो निकाल पाए। सपोज कीजिए अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं, हमको कोई कमांड देना है तो हमको हाथ पैर अपने यूज करने पड़ेंगे, हम कमांड देंगे फिर वो जाएगा, फिर हमको रिवर्सल आएगा। बेसिकली ये सारा काम हाथ ना यूज करके सीधा हम कंप्यूटर से अगर इंटरेक्ट कर पाएंगे, इस चीज को यहां पे कोशिश की गई है डेवलप करने की। अभी जो कॉइन साइज का लिंक बोला जा रहा है ये बेसिकली हमारे स्कल के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा और ये मतलब दिमाग में चीरा फाड़ी होगी तो किसी की भी जाएगी। तो इसी से बचने के लिए बेसिकली एक ऐसा स्पेशल रोबोट बनाया गया है जो इसी काम को करेगा बहुत ज्यादा प्रिसीजन से, जो हमारे स्कल के अंदर होल करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, लिंक अपना फिट करा जाएगा। इसके लिए स्पेशल एक रोबोट डिजाइन किया गया है। दिस रोबोट ऑन एवरेज कुड इंसर्ट एन इलेक्ट्रोड थ्रेड इन अ लिटिल ओवर अ मिनट even when the surgeon performed manual adjustments to avoid blood vessels. तो ये लिंक अंदर दिमाग में न्यूरॉन्स के साथ अटैच कर दिया जाएगा और ये लिंक काफी सारे सेंसर्स के साथ इक्विप्ड होगा जो कि हेल्प करेगा सारी की सारी ट्यूनिंग करने में या फिर डेटा को कैप्चर करने के लिए। और सर्जरी के बाद बेसिकली एक छोटा सा निशान रह जाएगा हमारी खोपड़ी पे, जिससे कोई भी देख के बता सकता है कि इसने मेमोरी कार्ड इंस्टॉल किया है। अब ये काम कैसे करता है कि बेसिकली हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वही हेल्प करते हैं हमारे दिमाग को कम्युनिकेट करने के बॉडी के सारे पार्ट्स के साथ। अगर ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पे दबा दो, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिमाग से मैसेज जा रहा है हाथ को कि ऐसे करो, या फिर मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिमाग बोल रहा है हाथ को कि इस तरीके के एक्शंस करो, साथ में मुंह को बोल रहा है कि इस तरीके के एक्शंस करो, अब वेट कर रहा है कि आप जल्दी से करो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो बेसिकली न्यूरॉन्स ही कम्युनिकेट करवाते हैं हमारे ब्रेन को बाकी के बॉडी पार्ट से, और इन्हीं न्यूरॉन्स के पास में इलेक्ट्रोड्स लगाई जा रही हैं जो कि इस चिप के अंदर हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाने से क्या हो रहा है कि जब वो सिग्नल्स पास हो रहे हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जा रही है जो कि उन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर पा रही है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होने के बाद ये जो सारा डेटा है ये ट्रांसफर हो जा रहा है कंप्यूटर पे, वहाँ पे वो सारे सिग्नल्स डीकोड हो जा रहे हैं और बेसिकली कंप्यूटर पे हम सारा का सारा डेटा फेच कर पा रहे हैं कि भाई अगर हम खाना खा रहे हैं तो किस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर हम हाथ को मूव कर रहे हैं तो किस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो तो किस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें कंप्यूटर पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि भाई हमारे किस एक्शन से किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो कि एल्गोरिथम के फॉर्म में पहुंच रहे हैं कंप्यूटर के पास, वो सारे रिकॉर्ड हो जा रहे हैं। अब एक तरीके से हमारे कंप्यूटर ने पूरे ब्रेन को हैक कर लिया कि भाई उसको सब पता है कि क्या एक्शन करने पे या फिर क्या बोलने पे कैसे करने पे सारा का सारा डेटा आ गया कि कौन सी नर्व्स कैसे काम
काम कर रही हैं, किस तरीके से सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उन्हीं की मदद से, इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम बाकी की चीज़ें क्योर कर पाएंगे यहाँ पे, ऐसा इलॉन मस्क कह रहे हैं। मैं क्योर नहीं करूँगा, मतलब इलॉन चाचा करवाएंगे। मतलब जैसे पैरालिसिस जैसी दिक्कत हो गई, अगर हम कोई डिसेबिलिटी है किसी के बॉडी पार्ट में और वहाँ पे ब्रेन सिग्नल्स भेज नहीं पा रहा है, कि हाथ को भेज नहीं पा रहा है कि भाई मूव करो, तो ये जो लिंक टूटा हुआ है बीच का, इसी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है ये न्यूरल लिंक, तो काफ़ी सही चीज़ है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें जो हैं ह्यूमन रेस में वो सॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि पैरालिसिस या फिर हियरिंग प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, ये जो सारी इलनेस है, मेंटल प्रॉब्लम, ये काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। इवन किसी ब्लॉग पे तो ये भी लिखा हुआ था कि हम स्किल्स भी डाउनलोड कर पाएंगे आने वाले टाइम में, जो इस टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें हम स्किल्स को डाउनलोड कर पाएंगे, डेटा डाउनलोड कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। उस हिसाब से अपने वाले एज ग्रुप के लिए सही है, कि मतलब बच्चे बच्चे आगे चल के होंगे हमारे, तो सही है 3-4 साल उनको मौज करने दो, उसके बाद दिमाग में सारा डेटा डाउनलोड कर दो, 10-12 भाषाएँ फीड कर दो, डॉक्टर इंजीनियर यूट्यूबर सब की उसके अंदर डिग्रियां डाल दो, उसके बाद बोल दो बेटा चल बेटा दुकान पे। तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड की बात करें कि क्या एक्चुअल में प्रोग्रेस है और कहां पर अभी तक कहानी पहुंची है, तो यहां पर ये सिस्टम है कि भाई USA गवर्नमेंट ने FDA अप्रूवल्स दे दिए हैं, टेक्नोलॉजी में ये लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, इसको अनकवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे और बेटर बनाते जा रहे हैं। साथ ही में कुछ पिग्स के ऊपर भी इन्होंने टेस्ट किया, 3-4 अलग अलग हमको वीडियोज इन्होंने दिखाई कि भाई पहला पिक तो था उसके अंदर इंस्टॉल इन्होंने किया, दूसरे में इंस्टॉल करके रिमूव कर दिया, तीसरे में 2 लिंक्स लगा दिए, इस तरीके से टेस्टिंग चल रही है। और रिसेंटली तो एक बंदर के दिमाग में भी न्यूरल लिंक लगा के उसको गेम खिला रहे हैं, थोड़े टाइम बाद बंदर भी बोलेगा कि यार केला वेला गया तेल लेने, मैं खेलूंगा GTA मैच। बंदरों का छोड़ो, इस ईयर के एंड में ह्यूमंस के ऊपर भी फर्स्ट ट्रायल्स होने वाले हैं, ऐसा इलॉन चाचा ने ट्वीट किया था, और काफ़ी ज़्यादा डरावनी सिचुएशन होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना एक्साइटमेंट है इस टेक्नोलॉजी के लिए, उससे कई ज़्यादा गुना तो डर लग रहा है कि भाई आगे चल के क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं इस टेक की दुनिया में। और एडवांसमेंट्स तो हो ही हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में डेंजर्स भी काफ़ी सारे लग रहे हैं, सोच सोच के कि यार क्या पता किसी ने हमारा दिमाग हैक कर लिया, तो गंदी गंदी चीज़ें दिखा दी, तो मतलब अब बाकी की डिटेल्स तो इन्होंने बताई नहीं कि वो चलेगा कैसे, बैटरी से चल तो बैटरी से ही रहा है, लेकिन चार्ज कैसे होगी बैटरी, मतलब वायरलेस चार्जर दिमाग पे लगा के घूमेंगे या फिर क्या, कुछ इतनी ज्यादा डिटेल्स अभी आउट नहीं हुई है। और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चल के, हो सकता है चलते फिरते आयरन मैन हमको रोडों पे दिखा करें। ये सूट कब बनाया तुमने? नैनो टेक्नोलॉजी सही है ना? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका क्या सोचना है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या आप एक न्यूरल लिंक लगवाना चाहोगे अगर आने वाले टाइम में ये कमर्शियल हो जाता है बहुत जल्दी, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, क्या फायदे हो सकते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं आप प्लीज कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं, टिल देन स्टे सेफ स्टे सकास्टिक सी या पर विजन मिल जाए, या फिर आयरन मैन जैसे ट्रांसप्लांट सा कुछ होने लग जाए, या फिर जाएगी कंप्लीट हो जाएगी और पेनलेस भी होगी और पेनलेस होगी, मतलब कि अभी ये जो सर्जरी होगी इतनी फास्ट है कि बेसिकली आप नेटफ्लिक्स की पहली फिलहाल के लिए इस वीडियो में तय अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, टिल देन स्टे सेफ स्टे सकास्टिक सी या।